हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है गरीबी एक चुनौती, बोले तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये पॉवर्टी गरीबी होती क्या है, आखिर किस बला का नाम है ये, और ये चैलेंज क्यों है, क्यों अभी तक हम गरीबी नहीं मिटा पाए हैं। अब देखो ऐसा है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है, पर हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे कि गरीबी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और किस टाइप के लोग गरीब होने की कैटेगरी में आते हैं। इसके दूसरे पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि इस गरीबी से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बोले तो हमारी गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं इस गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। गरीबी की ना एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन नहीं जो तुम समझते हो। जैसे तुम्हारा दोस्त तुमको कहता है ना, भाई यार बहुत गरीबी चल रही है जीवन में, आईफोन खरीदना है पर पैसे नहीं है, दैट इज नॉट पॉवर्टी। पॉवर्टी की डेफिनेशन ये होती है, पॉवर्टी इज अ स्टेट वेयर इन अ पर्सन कैन नॉट अफोर्ड रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मतलब कि अगर इन पांचों को भी अफोर्ड कर पाने की ताकत नहीं है ना उसमें, इसका मतलब कि वो बेचारा बहुत गरीब है। अब देखो ऐसे लोग तुमने अपने आसपास बहुत सारे देखे होंगे जो रोटी, कपड़ा, मकान, अपने बच्चों की एजुकेशन और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते। तुम्हें एग्जाम्पल्स देने की जरूरत तो नहीं है वैसे मुझे, पर फिर भी सुन लो। ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, या जो ट्रैफिक लाइट्स पे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं गरीब लोगों के। 2011-12 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में ना 270 मिलियन, बोले तो 27 करोड़ लोग गरीब थे। और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। इसका एक रीजन तो ना हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि गरीब लोग भी बहुत सारे होंगे। पॉपुलेशन की तो ना बात ही मत करो, हमारे यहाँ की एक एक स्टेट पॉपुलेशन के मामले में यूरोप की एक एक कंट्रीज को निपटा देते हैं। तो अब हिसाब लगा लो कि हम कितनी बड़ी कंट्री हैं, उसमें कितने सारे गरीब लोग हैं। तो बस ऐसे ही है, बहुत सारे प्लान्स बनाए गवर्नमेंट ने इस गरीबी को निपटाने के लिए, उसकी बात हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। गरीबी को समझने के लिए ना हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक शहर का केस समझ लेते हैं और एक गांव का केस समझ लेते हैं। फर्स्ट अर्बन केस। एक पर्सन है, उसका नाम है रामचरण, उम्र है उसकी लगभग 33 साल। वो एक फ्लावर मिल में काम करता है। फ्लावर मतलब फूल नहीं, आटा चक्की। उसकी 6 मेंबर्स की फैमिली है, उसको मिला के 4 बच्चे हैं, उसकी वाइफ और वो खुद। सैलरी उसकी है 1500 रुपये महीना, वो भी कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा वाला बेटा है, उसकी एज है अप्रोक्सीमेटली 12 साल। वो एक टी शॉप में काम करता है और 300 रुपये महीने के आसपास कमा लेता है। रामचरण की वाइफ एक घर में मेड का काम करती है और लगभग 800 रुपये महीना कमा लेती है। एक उनकी जो बेटी है वो उसके छोटे भाई बहनों को घर पे रह के ही संभालती है। कहने का मतलब कि कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसके सारे बच्चे हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब जो दूसरे बच्चे उनको कपड़े दे जाते हैं, वो जूते और अच्छे कपड़े, ये सब तो उनके लिए बहुत लग्जरी आइटम्स में से आते हैं। कपड़े वो तभी खरीदते हैं जब उनके एट प्रेजेंट जो कपड़े हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से पहनने लायक ही नहीं बचते। अब सीधी सी बात है कि ये जो भाई साहब है, ये एक एग्जाम्पल है टिपिकल गरीबी का। और तो और इस रामचरण को ना अपने मम्मी पापा को भी पैसे भेजने पड़ते हैं। वो उसके जो मम्मी पापा है ना, वो एक गांव में रहते हैं, गांव का नाम है रामगढ़। रामगढ़ के बारे में ना तुम अपनी मम्मी को पूछना, नहीं पापा को पूछना, क्योंकि वो बसंती का गाँव था। पापा ज्यादा अच्छे से बताएंगे तुम्हें रामगढ़ के बारे में। वैसे रामचरण का एक भाई भी है जो कि हजारीबाग में रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो मम्मी पापा है ना, ये रामचरण और उसके भाई पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। अब पढ़ते हैं सेकंड केस।
गांव का केस। एक पर्सन है लखा सिंह, वो यूपी के मेरठ के गांव में रहता है। उसका घर कच्चा सा है, उसकी अपनी कोई जमीन नहीं है, तो वो जो बड़े फार्मर्स हैं उनकी जमीनों पे खेती करके कुछ काम कर लेता है। और तो और कभी कभी उसकी ये कमाई ना कैश में नहीं होती, कभी उसको गेहूँ सब्जियाँ ऐसा कुछ मिल जाता है। इसकी फैमिली में 8 लोग हैं। लखा सिंह की वाइफ ना दिन भर लकड़ियाँ इकट्ठी करती है, चारा काटती रहती है। बहुत बुरा जीवन है बेचारों का। इनके जो पिताजी थे उनकी 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो टीबी से परेशान थे, उनको टीबी हो गया था और उनको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला। अब जो इनकी माता श्री हैं वो भी टीबी की पेशेंट है और उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। इनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, पर बेचारा लखा सिंह कभी उस स्कूल में नहीं गया, उसको पता ही नहीं कि स्कूल होता क्या है। अब इन दो केसेस की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली पॉवर्टी होती क्या है। एक ऐसा पर्सन जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को प्रॉपर खाना नहीं है, अपने बच्चों के लिए वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, अगर घर में कोई बीमार है तो उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज या मेडिकेशन का खर्चा नहीं उठा सकता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, और उसकी जॉब जो है वो इरेगुलर है, या वो एक डिसेंट लेवल की इनकम नहीं कर पाता है, इसका मतलब कि वो एक गरीब है। अब ये तो मुझे तुम्हें बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि ये समाज जो है ना बहुत बुरा है, गरीबों को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है। बेचारे जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको अगर कोई गवर्नमेंट काम कराना हो, हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में या कहीं भी वो जाते हैं, तो उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो पुअर पीपल आर इल ट्रीटेड। सोशल साइंटिस्ट जो होता है ना, वो गरीबी को डिफाइन करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। हालांकि जो उनके यूजुअल इंडिकेटर्स होते हैं वो इनकम और कंजम्पशन के बेसिस पे होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे लेवल ऑफ इलिटरेसी या फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड उनकी इम्यूनिटी, मतलब कि वो डिसीजेस से अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ऐसे और भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं। इन सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे सोशल साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं। अब हम पॉवर्टी का एनालिसिस करते हैं 2 फैक्टर्स के बेसिस पे। पहला है सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा है वल्नरेबिलिटी। तो पहले बात कर लेते हैं सोशल एक्सक्लूजन की। सोशल एक्सक्लूजन बोले तो समाज से बाहर, मतलब ये जो बेचारे गरीब लोग होते हैं ना, ये कभी भी जो मेन स्ट्रीम होती है या जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी होती है उसका पार्ट बन ही नहीं पाते। कोई भी लोग, कोई भी अमीर बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि उनके आसपास कोई गरीब लोग रहें। अब देखो ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ना, दिस मे बी अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ना, ये कॉज इसलिए है क्योंकि बेचारे वो लोग जो सोशली एक्सक्लूडेड हैं, सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। इसका मतलब कि उनकी इनकम बेचारों की कम रह जाती है, और कॉन्सिक्वेंस इसलिए क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली तो वो गरीब ही रह गए। तो इसलिए सोशल एक्सक्लूजन जो है वो कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है पॉवर्टी का। अब बात करते हैं हम वल्नरेबिलिटी की। वल्नरेबिलिटी बोले तो ऐसे किस टाइप के लोग हैं जिनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गरीब ही रहेंगे। जैसे अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उतने बेटर तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं गेन कर पाएगा जितना कोई नॉर्मल पर्सन कर पाएगा। ऐसे ही अगर आप एक और एग्जांपल लें तो एक विडो को समझ सकते हैं। एक विडो वो लेडी जिसका हस्बैंड मर चुका है, तो अब उसके पास अपनी लाइफ को चलाने के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं, तो चांसेस आर कि वो भी अपना जीवन गरीबी में ही बिताएगी। वल्नरेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंसान जो अभी गरीब है तो वो आने वाले कुछ और सालों तक गरीब रह सकता है, और एक ऐसा इंसान जो एट प्रेजेंट अभी वो गरीब नहीं है पर आगे आने वाले कुछ सालों में वो गरीब बन सकता है। वल्नरेबिलिटी ऐसे चेक की जाती है, जैसे मान लो एक कम्युनिटी है तो उसके पास एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज
ये सारी चीजें है या नहीं। अगर इन सारी चीजों की प्रॉपर व्यवस्था है, अगर कोई कम्युनिटी इन सारी चीजों को अफोर्ड कर पाती है, मतलब दे आर लेस वल्नरेबल टू पॉवर्टी, और अगर ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो चांसेस आर कि वो गरीब हो जाएंगे। अब पॉवर्टी का एनालिसिस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज पॉवर्टी लाइन। एक ऐसा पर्सन जो एक बेसिक मिनिमम लेवल इन टर्म्स ऑफ फूड एंड इनकम अगर वो अटेन नहीं कर पाता है, तो हम कहते हैं कि ही और शी फॉल्स बिलो पॉवर्टी लाइन। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आते हैं, वो ही पुअर कहलाए जाते हैं। अब ये जो पॉवर्टी लाइन है, मतलब कि वो बेसिक लेवल जो एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब कहलाएगा, तो ये जो पॉवर्टी लाइन का बेसिक लेवल है, ये टाइम प्लेस कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग होता रहता है। हर कंट्री अपने जो बेसिक सोशल नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करती है। और हाँ, एक पर्सन किसी कंट्री में पॉवर्टी लाइन के नीचे आ सकता है, और वही सेम पर्सन उसी इनकम के साथ किसी और कंट्री में गरीब नहीं भी कहलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, US में अगर किसी पर्सन के पास कार नहीं है तो वो गरीब माना जाता है, और इंडिया में कार नहीं होना इज नॉर्मली एक्सेप्टेबल। इनफैक्ट कार जो है वो एक लग्जरी आइटम है इंडिया के हिसाब से, बट US में कार नहीं मतलब बेकार। हमारे देश में जो लोगों की बेसिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, लाइट, फ्यूल, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब की एक मिनिमम कॉस्ट निकाली जाती है रुपीस में, और फिर ये हिसाब लगाया जाता है कि अगर आपने कम से कम उतने रुपए कमाए तो ठीक है, और अगर आपकी इनकम उससे कम है तो फिर वो पर्सन गरीब की कैटेगरी में आ जाता है। ये जो मिनिमम लेवल है, मतलब ये जो पॉवर्टी लाइन का इंडिकेटर है, ये शहर और गांव के हिसाब से अलग अलग है। एक बेसिक नीड दैट इज फूड, उसके हिसाब से जो गरीबी रेखा, बोले तो पॉवर्टी लाइन का जो इंडिकेटर है, वो गांव में है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, और वहीं अगर आप सिटीज की बात करो तो इट इज 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। गांव में कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पे फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, और शहरों में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम है। फिर भी अगर आप पॉवर्टी लाइन की बात करोगे तो गांव का जो लेवल है वो कम है, और सिटी की जो पॉवर्टी लाइन का लेवल है वो ज्यादा है। 2011 और 12 का जो पॉवर्टी लाइन का इंडिकेटर था वो गांव के लिए था 816 रुपए पर मंथ। इसका मतलब कि अगर गांव में रहने वाला कोई पर्सन 816 रुपए महीने भी नहीं कमा पा रहा है, मतलब कि वो गरीब है। और वहीं शहर की पॉवर्टी लाइन का जो इंडिकेटर था वो था 1000 रुपीस पर मंथ, मतलब कि अगर आप शहर में रहते हैं तो कम से कम आपको 1000 रुपए महीना तो कमाना ही पड़ेगा पॉवर्टी लाइन के ऊपर आने के लिए। अब देखो, कैलोरी रिक्वायरमेंट गांव का ज्यादा था, पर वहां पॉवर्टी लाइन का इंडिकेटर कम था। कैलोरी रिक्वायरमेंट शहर का कम था, बट पॉवर्टी लाइन का इंडिकेटर ज्यादा था। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरों में गांव के कंपैरिजन में चीजें थोड़ी महंगी होती है, जैसे रेंट, एजुकेशन, खाने पीने की चीजें और बाकी सारी चीजें भी। अभी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर शहर में कोई पर्सन कम से कम 1000 रुपए महीना कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है। अब मान लो कोई फैमिली है जिसमें 5 लोग हैं और कमाने वाला है पर्सन सिर्फ एक, तो उसको कम से कम 5 × 1000, बोले तो 5000 रुपए महीने कमाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ पाएगा। आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। आगे के ज्ञान की प्राप्ति हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।